ये जो फर्टिलाइजर हम बनाए हैं ये 5 नेचुरल फर्टिलाइजर है जो पौधे के लिए, मान लो ये पौधे के लिए 5 अमृत है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ऐसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस नेचुरल फर्टिलाइजर को देने से पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, रूट डेवलप होता है, बहुत सारा कलियाँ आती है, बहुत सारा कलियाँ आने से बहुत सारा फूल भी खिलता है और फूल का साइज भी बड़ा होता है। इस 5 फर्टिलाइजर को मैं मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बनाऊंगी जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, पौधे के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। चलो देखते हैं ये कौन कौन फर्टिलाइजर है। मैं हूँ ममता, सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लिटिल किचन गार्डन पर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब वीडियो शेयर करो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। ये एलोवेरा है, इसको मैं छोटे छोटे पीस में काट कर पानी में भिगो कर 5 दिन से रखी थी। एलोवेरा पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। ये एंटी फंगल है, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये पौधा को बिल्कुल सुरक्षा देता है। ये केले का छिलका है, इसको मैं 5 दिन से भी पानी में भिगो कर रखी थी। ये एक पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, ये पौधा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चाय का पत्ती है, चाय का पत्ती फर्टिलाइजर, इसको मैं 1 दिन के लिए भिगो कर रखी थी। इस फर्टिलाइजर को देने से पौधा का अच्छा ग्रोथ होता है, पौधा का ग्रीननेस बढ़ा देती है, पौधा को ताकत मिलती है, पौधे में कलियाँ आती है। चायपत्ती का फर्टिलाइजर रोज प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसको हम सब प्लांट में दे सकते हैं। और एक फर्टिलाइजर है, वही आलू का छिलका। आलू का छिलका हम सब जो घर पर आलू यूज़ करते हैं खाने में, उसका छिलका निकलता है, उस छिलके को हम ना फेंक के उसमें से फर्टिलाइजर बनाकर हमारे पौधे में दे सकते हैं। आलू के छिलके में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजर पौधे को स्ट्रांग बनाता है। प्याज का छिलका सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है, उसमें B1, B2, B3, B5, B6, इससे बहुत सारा विटामिन मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसको ना फेंक के हम फर्टिलाइजर बनाकर हमारे पौधे में देंगे तो इसका ऑल ओवर डेवलप करता है। ये जो 5 फर्टिलाइजर है पौधे के लिए 5 अमृत है, इसको हम बनाकर पंचामृत बना दिए हैं। इसमें और एक चीज़ ऐड करके हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो एंटी फंगस का काम करता है, बिल्कुल पौधे को रोग से बचाता है। उसको लास्ट में ऐड करेंगे, अभी हम पानी मिलाएंगे। हम जितना फर्टिलाइजर लिए हैं उसमें 3 गुना पानी हम मिलाएंगे। हमारा जब तबीयत ख़राब होता है हम टैबलेट लेते हैं तो कैप्सूल लेते हैं, लेकिन वो जितना जल्दी काम नहीं करता है, जो सिरप हम लेते हैं वो जल्दी काम करता है। ऐसे ही हम पौधे के लिए, पौधे में जब कंपोस्ट डालते हैं वो जितना जल्दी काम नहीं करेगा, उसमें जल्दी काम करेगा ये लिक्विड फर्टिलाइजर। तो हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर हमारे पौधे में देना बहुत ज़रूरी है। अभी तो गर्मी सीजन चल रहा है, इस सीजन में ये लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे के लिए वरदान है। एक हाई पावर फर्टिलाइजर बन गया, इसको हम फल, फूल, सब्जी सब प्लांट में हम दे सकते हैं। लास्ट में जो चीज़ ऐड करना था वो है हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसलिए हम ये फर्टिलाइजर में हल्दी को ऐड किए हैं। आप इस एक छटामृत बन गया है, आप ऐसे ही फर्टिलाइजर बनाकर पौधे में दीजिए। ये फर्टिलाइजर पौधे में जान डाल देगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब वीडियो शेयर करो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।